सो गाइस आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन आधुनिक इतिहास का सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू वीडियो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। 1 नवंबर से क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है, 90% गारंटी देता हूँ। यहाँ से आपके प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे छत्तीसगढ़ व्यापम की क्लास में। जैसे आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करें, चाहे एसआई भर्ती एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप किसी भी विज्ञान की तैयारी करें, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि व्यापम और पीएससी में बिल्कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जब भी मैं ऐसे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। साथ ही जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा डेली क्लासेस के लिए। साथ ही देखिए आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब किए हैं उसी को नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। अब से 1 नवंबर से क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का दूसरा वीडियो है, ठीक है। पार्ट वन वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया है या पार्ट टू वीडियो है। साथ ही छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास चल रही है इतिहास से, और आप सभी को बता दूं कि आज रात 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब गणित की क्लास अगर करना चाहते हैं तो शाम 5 बजे गणित की क्लास रहेगी। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो सुबह आपका 9 बजे रहेगा, ठीक है, सुबह आपका 9 बजे रहेगा। एक और है इम्पोर्टेंट बात, एक 2 से 3 लोगों ने कमेंट किया था कि कल वीडियो में कंप्यूटर की क्लास कितने टाइम होगी, तो कंप्यूटर की क्लास जो है छात्रावास अधीक्षक में टोटल आपको 25 नंबर लाने से आप पास हो जाओगे, ठीक है, लेकिन उसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर की क्लास कल से प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है, कंप्यूटर की क्लास कल से प्रारंभ हो जाएगी, वो भी रात के 7 बजे, ठीक है। ये रहा आपका प्रश्न सेकंड का, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बस्तर के किस छिंदक नागवंशी नरेश को कलचूरी राजा जाजल्यदेव प्रथम ने पराजित किया था। ये क्वेश्चन व्यापम में आया हुआ है जो कि आप सभी को मैं करा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 90% गारंटी दे देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो वीडियो को क्या करोगे, डिसलाइक कर सकते हैं, वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है, या फिर अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है सर। चलिए तो सेकंड इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, इसका आंसर सोमेश्वर देव होगा। देखिए जो सोमेश्वर देव है, बस्तर के छिंदक नागवंशी नरेश को कलचूरी राजा जाजल्यदेव प्रथम ने पराजित कर दिया था। किसने पराजित किया था, जाजल्यदेव ने, ठीक है, जाजल्यदेव प्रथम ने पराजित किया था किसको, सोमेश्वर देव को, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा है, 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था। तो 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, पंडित वामन राव लाखे जी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था, वामन राव लाखे ने फहराया था। साथ ही छत्तीसगढ़ अंचल में सहकारी आंदोलन की शुरुआत की थी, तो आप सभी ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में देखिए जो अंचल सहकारी आंदोलन की शुरुआत की गई थी कौन से सन में किया था, ये आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, पीएससी के एग्जाम में आया हुआ है। 1920 में बीएनसी, ठीक है, बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल का सफल नेतृत्व किसने किया था, वो आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। किसने किया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। मैं आप सभी को बार बार बोल रहा हूँ, कल से प्रारंभ हो चुकी है, यानी कि 1 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है क्लासेस, ठीक है। छात्रावास यानी कि हॉस्टल वाड़ाना, एसआई भर्ती की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, 90% गारंटी देता हूँ यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर की क्लास कल से होगी, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाएं वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा डेली क्लासेस करने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए। इसके बाद आ जाएगा, देखिए जो मैं आप सभी को डिटेल बता देता हूँ, तो 37 दिनों तक चली ये हड़ताल मजदूर आंदोलन के इतिहास में देश का सबसे लंबी और सफल हड़ताल मानी जाती है। कौन सा, ये वाला हड़ताल मजदूर, ठीक है, 37 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था, 37 दिनों तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ में सहकारिता के सूत्रधार पंडित वामन राव लाखे ने किस वर्ष, ये है किस वर्ष यहाँ पर ऑपरेटिंग सेंट्रल बैंक की स्थापना किया था, इसका कौन किया था, सी 1913 में, ठीक है। तो डिटेल देख लेते हैं इसका, देखिए यहाँ पर डिटेल है, यहाँ छत्तीसगढ़ के सहकारिता के सूत्रधार
पंडित वामन राव लाखन ने 1913 में रायपुर को ऑपरेटिंग सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी। साथ ही ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। कलचुरी और मराठा की प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त होता है? कलचुरी और मराठों की राजधानी किसे प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रतनपुर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा? रतनपुर। ठीक है, चलिए रतनपुर कलचुरी का तुम मार्क से देखें, यहाँ पर पूरा जानकारी दिया है। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि छत्तीसगढ़ का पराक्रमी वीर कंचना धुरुआ, ये कंचना है, ठीक है, कंचना धुरुआ की जमींदार के अंतर्गत है। तो किस जमींदार के अंतर्गत है? तो इसका आंसर आपका बिंद्रावनगढ़ हो जाएगा। कौन सा जगह? बिंद्रा नवागढ़। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ का पराक्रमी वीर कंचना, ये ठीक है, कंचना धुरुआ किस जमींदार के अंतर्गत आते हैं? तो बिंद्रा नवागढ़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा जानकारी आप एक बार देख लीजिएगा, धुरुआ बिंद्रावन। ठीक है, उसके बाद किस काकती नरेश के समय बस्तर राज्य का 1780 ईस्वी में भोसले के अधीन करद राज्य बन गया? ये जो करद राज्य एग्जाम में आया हुआ है व्यापम का, ठीक है, तो काकती नरेश जो है समय के बस्तर का 1718 में, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर दिए दरियादेव। मैं आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था, पार्ट वन वीडियो में, जो दरियादेव था उसका डिटेल में बता दिया हूँ, वो नहीं देखा तो जाइए देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए उसका सी देखते हैं, दरियादेव काकती नरेश के समय जो 1780 ईस्वी में भोसले के अधीन करद राज्य बन गया था। ठीक है, इसके बाद है प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देवी का संघर्ष किस राजवंशी नरेश से हुआ था? जो चमेली देवी था, जो याद रखिए चमेली देवी था प्रसिद्ध राजकुमारी कौन है? वो काकती नरेश अन्नमदेव है। ठीक है, काकती नरेश अन्नमदेव, जिससे राजवंशी शासक प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देवी का यहाँ पर संबंध था। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, आप सभी को मैं बार बार बता रहा हूँ, ये महात्मा गांधी वाला जो प्रश्न आता है वहाँ से, डांडी नामक यात्रा, वहाँ से एक से दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यापम हो या पीएससी में। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, आप सभी को मैं एक बार बता रहा हूँ, जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसमें बहुत सा जंगल सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो उसमें तीन से चार क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं जंगल सत्याग्रह से। तो यहाँ पर पूछा कि श्यामलाल यानी कि सोम का जन्म किस वर्ष में हुआ है? तो किस वर्ष में हुआ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1905 में हुआ है। कब हुआ था? 1905 में। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? सी। इसके बाद हो जाएगा आपका, चलिए नेक्स्ट क्या है, बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का नाम क्या है? तो बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का नाम निपति भूषण है। क्या है? निपति भूषण। जो छिंदक का प्रथम राजा का नाम पूछा गया ना, निपति, ये यहाँ से आ जाएगा पहला, निपति भूषण। ठीक है, जो बस्तर के छिंगवंदी नाशक के प्रथम राजा हैं। इसके बाद देखिए राजधानी कौन सी थी? भोगवतीपुरी, राजधानी भोगवती। ठीक है, उसके बाद है कि 20 जनवरी 1825 को परल कोट के महल के सामने किस छत्तीसगढ़ वीर नारायण यानी कि वीर नायक है ना, ये वीर नायक को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया था। तो देखिए यहाँ पर जो 20 जनवरी 1825 को पूछा गया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? शहीद गेंदा सिंह। ठीक है, शहीद गेंद सिंह, ठीक है, वो गेंद है, गेंदा नहीं है, गेंद है। ओके, चलिए मड़वा महल एवं भोरमदेव किस वंश की कला के नमूने हैं? जो मड़वा महल होता है, चलिए मड़वा महल कौन सा है? फणी नागवंश, पढ़े ना मड़वा महल, फणी नागवंश से संबंधित है जो कला के नमूने हैं। ठीक है, उसके बाद है वो उसको क्या बोले जाते हैं, जो मड़वा महल उसे दुल्हादेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मड़वा महल को? दुल्हादेव, याद रखिए मड़वा महल को दुल्हादेव कहा जाता है। मैं डेली बुक करा रहा हूँ, रात 8 बजे 10 दिनों का क्रैश कोर्स चल रहा है, बिल्कुल फ्री क्लासेस है। आप सभी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, या फिर लाइक नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, शेयर कर सकते हैं, मैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि 1 नवंबर से बिल्कुल ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि व्यापम पीएससी में आएगा ही आएगा, 90% गारंटी देता हूँ। यहाँ से 1 से 2 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, अगर नहीं आता या अगर ऐसे आपको रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलता आपके एग्जाम में तो वीडियो को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए 1910 की महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार निम्न में से कौन था? जो भूमकाल था, ठीक है, इसका कौन सा आएगा? कालेंद्र सिंह, ठीक है, जो 1910 में हुआ था महान क्रांति उसका कालेंद्र सिंह है, ठीक है। चलिए मराठों द्वारा जो 1790 ईस्वी में शासन हुआ था कौन सा आएगा? मराठों द्वारा छत्तीसगढ़ में जो शासन हुआ था, ठीक है, जो मराठों द्वारा छत्तीसगढ़ में शासन हुआ था, सिर्फ संपर्क के अनेक परगनों को विभाजित किया गया था,
वो है कम विजदार। कौन है? कम विजदार, जो प्रमुख अधिकारी है वो कहा जाता है, ठीक है। परगना के प्रमुख अधिकारी को कम विजदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कम विजदार कहा जाता है। चलिए अब डॉक्टर हनुमान सिंह ने, ये ठाकुर हनुमान है ना, डॉक्टर नहीं ठाकुर है, इसको नोट कीजिएगा, ठाकुर है। ठाकुर हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था, ये एग्जाम में आता है। और शहीद कब हुए थे, मतलब कब उसे पकड़ा गया था, कब पकड़ा गया था, इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका डी होगा ना जो 1858 में, बिल्कुल सही है 1858 में। लेकिन उसको ये याद रखना 18 जनवरी यानी कि फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है। हनुमान सिंह ने 17 सिपाहियों के साथ विद्रोह कब किया था, तो 18 जनवरी 1858, याद रखने का अच्छा तरीका है, 1818, ठीक है। चलिए देखते हैं किसकी हत्या की गई थी, ये भी एग्जाम में पूछता है, तो देखिए डिटेल में बता दे रहा हूँ। ठाकुर हनुमान सिंह ने अपने 17 सिपाहियों के साथ 18 जनवरी 1858 को विद्रोह किया था, लेकिन इन्होंने मेजर सिडवेल की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? मेजर सिडवेल की हत्या की थी, ठीक है। प्रसिद्ध सोना खान यानी कि जमींदार किस तहसील में थी, तो जमींदार कौन से तहसील में थी, तो ये आप सभी को पता है कि ये बलौदा बाजार, ठीक है। बलौदा सोना खान कहाँ स्थित है, जमींदार बलौदा बाजार में। प्रसिद्ध सोना खान, ठीक है, बाजार कहाँ है, तहसील, बिल्कुल। यहाँ देखिए दक्षिण कौशल की कजूरियों के समकालीन वस्त्र, अरे यार कौन कौन बार बार बीच में फोन लगा रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप सभी को, देखिए गुड मॉर्निंग तो बोल चुका हूँ ना, ये अभी क्या चल रहा है, ये शाम की क्लास है रात 8 बजे, ठीक है, डिस्टर्ब ना करें। राहुल क्यों परेशान कर रहे हो, कौन सा प्रश्न, व्यापम की क्लास चल रही बेटा, व्यापम की, ठीक है। व्यापम में आपको हॉस्टल वार्डन, एसआई भर्ती, ये दोनों ही क्लास चल रही है, एडियो की क्लास नहीं चल रही है। एडियो की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। हाँ कंप्यूटर की क्लास कल से चालू हो रही है, ठीक है, कंप्यूटर का जो क्लास है कल से स्टार्ट कर दिया जाएगा, टोटल 50 MCQ कराया जाएगा, ठीक है, हॉस्टल वाराणा में। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, क्या आएगा इसका आंसर, दक्षिण कौशल के कलचोरों के समकालीन बस्तर में कौन सा राजवंश था, जल्दी बताइए कमेंट में, क्या आएगा, राकेश का आया छिंदक नागवंश, बिल्कुल सही है। दक्षिण कौशल के जो कलचोरी होता है वहाँ पर समकालीन बस्तर का जो राजवंश था वो छिंदक नागवंशी था, ठीक है। चलिए कौन सा, छिंदक नागवंशी ना, बिल्कुल सही तो है। छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह कब हुआ था, भूमकाल विद्रोह देखिए अब जो 1910 में अभी मैं बताया हूँ, भूमकाल विद्रोह कब हुआ था, 1910 में हुआ था, ठीक है। किसके समय में, कालेंद्र सिंह के, तो यहाँ पर मैं डिटेल बता चुका हूँ, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि किस राजा के समय जगदलपुर की जो टाउन प्लानिंग हुआ था अनुसार, ठीक है, चौराहों का सर किसे बनाया था, चौराहों का सनर रुद्र प्रताप देव, बी होगा आंसर। ये जो चौराहों का सर बनाया गया था इसके अनुसार, टाउन प्लानिंग के अनुसार, जगदलपुर की जो टाउन प्लानिंग के अनुसार, ठीक है। बिलासपुर के सोमवंशी शासक को पराजित कर किस वंश ने शासन को स्थापित किया था, तो आपका हो जाएगा ए, ठीक है, नल वंश जो है, ठीक है, नल वंश है जो शासन को स्थापित किया था, सोमवंशी शासक पराजित कर, ठीक है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का अवशेष सरगुजा जिले की किस गुफा से प्राप्त है, आप सभी को मैं बार बार बताया हूँ, ये सीता गुफा जो है सरगुजा है, ठीक है, जो सीता गुफा है सरगुजा से विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला का अवशेष प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब डिटेल देख लीजिएगा क्यों प्राप्त हुआ, मैं बता रहा हूँ, विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला का जो अवशेष सरगुजा जिले के सीता गुफा से प्राप्त हुआ, ऐसी मान्यता है त्रेता युग में जब वनवास के दौरान राम लक्ष्मण सीता जी यहाँ रुके थे, इसलिए इसे का नाम सीता बेगरा पड़ा था, कौन सा जिले में, सरगुजा जिले में। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भोसले शासन का कार्यकाल कितना था, जो छत्तीसगढ़ में भोसन कब हुआ था, इसका कार्यकाल कब हुआ था, तो आपका बी हो जाएगा 1758 से लेकर 1787, ठीक है, 1758 से 1787 तक। चलिए 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने समित्र मंडल, ये समित्र नहीं है ना, समित्र है, समित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना की, इसका उद्देश्य क्या था। अब बोला गया है कि 1906 में जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है जो समित्र मंडल नामक की संस्था की स्थापना की था, लेकिन इस संस्था का उद्देश्य क्या था पूछा गया, तो संस्था का उद्देश्य क्या था, तो संस्था का उद्देश्य था कि समाज सुधारना,
एवं जनता में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करना, ठीक है। राष्ट्रीय भावना क्या करना है, उत्पन्न करना है, और समाज में समाज को सुधारना है। अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए गठित प्रथम प्रादेशिक सेना का प्रथम कौन कमांडर था, इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, कैप्टन मार्क्सन कौन बोल रहा है यार, राकेश, तो बिल्कुल सही है, गुड गुड, ठीक है, कैप्टन मार्क्सन आएगा। तो देखिए जो कैप्टन मार्क्सन है प्रादेशिक सेना का प्रथम कमांडर था, किसका, प्रादेशिक सेना का, अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए गठित किया गया था, ठीक है। अब रायपुर जिला के राजनीतिक सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो ये आप सभी कौन, किसका, राहुल का आया है क्या कमेंट, क्या आया है, राहुल का सी आया है, राहुल का सी आया है, मोना का भी सी आया है, ये बिल्कुल गलत है। जो रायपुर जिला में राजनीतिक सम्मेलन हुआ था उसका आंसर 1922 में हुआ था, कब, मई में, मई 1922 में हुआ था, ठीक है, राजनीतिक के दौरान, ठीक है, आयोजित की गई थी, कोई बात नहीं बेटा, गलत हो गया तो प्रैक्टिस सेट करते रहिए, प्रैक्टिस लगाते रहिए। छत्तीसगढ़ के किस नगर में तुलना कुबेर नगर से की जाती है, जो कुबेर नगर होता है ये रतनपुर है, ठीक है, रतनपुर, ठीक है, कुबेर की संज्ञा दी गई है, वहां तुलना की गई है, ठीक है, क्यों की गई है, डिटेल तो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ इसका, क्यों की गई है ये पता नहीं, ठीक है, लेकिन कुबेरपुर आएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति किस जिला से प्राप्त हुआ है, जो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति है वो किस जिले प्राप्त हुआ है, तो आपका हो जाएगा बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति बिलासपुर से प्राप्त हुआ है। और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो आपका 1910 में हुआ है, 1910 में, कालेंद्र सिंह, ठीक है, कालेंद्र सिंह के ही जगह में, ठीक है, 1910 में हुआ है, कालेंद्र सिंह, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, चीनी यात्री युआन चुआंग, ये वानी हेन स्वांग है ना, हेन स्वांग हुआन चुआन छत्तीसगढ़ किस राजवंश के समय आया था, तो आपको पांडु वंश, ठीक है, सी होगा पांडु वंश। ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्वतंत्र संग्राम सुरेंद्र सहाय के जमींदार थे, कहाँ के जमींदार थे, सुरेंद्र सोना खान के, ये भी हैं, वीर नारायण सिंह कहाँ से थे, एक मिनट ना, वीर नारायण सिंह हैं, इसका आंसर हो जाएगा, वीर नारायण सिंह कहाँ के थे, वीर नारायण, वीर नारायण, ठीक है, जो वीर नारायण सिंह थे वो आपका सोना खान के जमींदार थे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र सहाय भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी एक मिनट ना, एक मिनट, गलती हो गया, ठीक है, जो सुरेंद्र सहाय है वो आपका संबलपुर से है, और वीर नारायण सिंह है, जो वीर नारायण सिंह है वो आपका सोना खान से है, ठीक है, वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार हैं, और सुरेंद्र सहाय है वो आपका संबलपुर के जमींदार थे, ठीक है, वो छोटा सा मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन इधर उधर हो गया था, ठीक है। और कब हुआ था, क्या हुआ था, ये आप सभी को मैं बताता हूँ, देखिए, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र सहाय संबलपुर के जमींदार थे, लेकिन इसका जन्म 23 जनवरी 1809 में खिद्दा गांव में हुआ था, कौन सा, खिद्दा गांव में, ठीक है। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आप सभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें, ठीक है, कमेंट में आंसर जरूर बताएं इसका आंसर। 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश शासन ने वीर नारायण सिंह को रायपुर के स्थान पर सार्वजनिक फांसी दी गई थी, तो कौन से फांसी दी गई थी, सेंट्रल जेल में, जय स्तंभ चौक रायपुर में, या फिर मानस विमानतल में, या फिर लोटिया चौराहा में। तो बहुत लोगों को कमेंट आ रहा है, क्या राम, मोहन, शीतल, सीमा, राकेश, राहुल, इतिया, और क्या है, पटेल, मुकेश पटेल, और है सीमा, राहुल, इन सभी का आंसर आ चुका है, कौन सा, ऑप्शन बी आ चुका है, ठीक है, ऑप्शन बी आ रहा है। तो आप लोगों का, और जितने भी वीडियो का देख रहे हैं, चैनल पर हैं, बने हैं, वो इसका आंसर जरूर बताएं, जो कि 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई थी रायपुर के कौन से स्थान पर, तो आप बताइएगा कौन से स्थान पर, सेंट्रल जेल पर, जयस्तंभ चौक पर, मानस विमानतल पर, या लोटिया चौराहा। अभी भी आंसर आ रहा है बी, ठीक है, तो किन किन लोगों का आंसर आ चुका है बी, आप कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट में जरूर बताएं, और कौन से विषय में आप कमज़ोर हैं उसको भी बताएं, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके।